तो ये क्या है? हमारा मसाला ओट्स बनके रेडी है। मसाला चट कर गया, इतना टेस्टी लग रहा है। उड़ूल उड़ूल का फूल होता है ना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:00 और मैं अभी से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हुआ क्या कि रात में मैं खाना खा रही थी तो सैलेड भी था, मैं सैलेड लेती ही हूँ खाना में, तो खीरा का छिलका मेरे साइड वाले कोने में इस साइड फंसा। तो मैं एक्चुअली, पता है आपको, कल से मेरा सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है, तो मैंने 1 वीक से ग्लासेस नहीं लगाया है, जो कि बहुत गलत बात है। तो मैं आपसे ग्लास के साथ ही मिलूंगी आपसे। तो हुआ क्या कि खीरा का छिलका फंस गया था, तो मैंने टूथपिन लिया और उसको निकाला। उसके बाद फिर मैं सो गई, सोई, सुबह उठी, फिर से मेरे दांत में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। उसके बाद मैं ब्रश की, नहाई, उसके बाद मैंने एक अंडे का ऑमलेट और ब्रेड खाया और सेब काटी थी मैं। बस सेब के दो फाकी मैंने, दो वाइट ही लिए थे कि मेरे दांत में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं पास के मेडिकल हॉल से, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो उसके बाद मैं नीचे गई और मेडिकल शॉप से मैंने बोला कि मैंने रात में ऐसा सा थिंग खोदा था टूथपिन से, तो मेरे दांत में पेन हो रहा है। तो उन्होंने 2 दिन की दवा दी है सुबह शाम, तो अभी मैंने एक दवा खाया है तो मुझे रिलीफ लग रहा है। फिर भी मैं दवा खाकर सोई हुई थी, तब तक एक फ्लिपकार्ट से मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। करेंगे अनबॉक्सिंग। कितना कितना टेप लगाए हैं ये लोग। निकल गया है। आई हेट दिस पैकिंग। तो ये है पेन। तो ये क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा शायद। तो इसमें है एक, ये है हम लोग का वैक्स हीटर, इलेक्ट्रिक है ये। इसमें कुछ इस तरीके से हमको मिले हैं ये यूज़ के मैनुअल, इस तरीके से यूज़र मैनुअल है ये। और ये है वारंटी कार्ड है, ये मैंने मंगवाया है, ओजो मैक्स का है ये। और इसका रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं मंगवाए हैं। एक्चुअली पता है वैक्स का रेट पार्लर वालों ने इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है कि मेरे को तो बहुत अखड़ता है। मैं जब भी ब्यूटी पार्लर जाती हूँ और जब भी वैक्सिंग करवाती हूँ, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अखड़ता है। बताओ यार, सिर्फ लेग का, इतना लेग का करने का 300-400, जिस तरीके से जो पार्लर रहता है उस हिसाब से वही रेट देती, कुछ नहीं है मतलब फैसिलिटी, मतलब उतना अच्छा कुछ नहीं होता। उतना मैं घर में ही कर लूँगी, ऐसा अभी तक तो मैं की नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी और मेरे ख्याल से मेरे से हो जाएगा। तो ये छोटू सा है, अच्छा लग रहा है ना। इस देखिए ऑन ऑफ का इसमें बटन दिया हुआ है, ये इधर से ऑन ऑफ। और ये इसका तार मैं देख लेती हूँ, इसका वायर कितना बड़ा है ना, इसका वायर भी है अच्छा बड़ा है। और इतना ही बड़ा, इससे क्या बड़ा रहेगा, अगर है तो वो बोर्ड आता है ना, उसमें भी आप लगा सकते हैं। मेरे तो बेड के पास ही है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो हो जाएगा वहाँ पे भी। मैं करके ऐसे भी वैक्सीन को वो गर्म करके अपना साइड में रख लो तो कुछ देर तक तो रहता ही है। ये अंदर का कुछ ऐसा है सिल्वर, ये स्पैचुला, अच्छा है ना। आप लोग भी चाहे तो
बाय कर सकते हैं। इसका रिव्यू अच्छा है लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं की हूँ तो इसलिए मैं आपको रिव्यू नहीं बता सकती कि ये कैसा है, बट जो फ्लिपकार्ट के नीचे रिव्यू दिया रहता है वो काफ़ी अच्छा था और बहुत लोगों ने इसे बाय किया है, तो मैं भी ली हूँ। तो मैं वैक्सीन करूँगी घर पे ही और सबको कर दूँगी, मेरी सिस्टर को, सब खुश हो जाएगी। अभी मैं उन लोगों को भी वीडियोज़ या फोटोज़ बना के भेजूँगी और ऐसे वो वीडियोज़ में देख ही लेंगी, तो क्या ज़रूरत है भेजने का। तो अब सबके लिए अच्छा हो गया, घर पे मैं सबका वैक्सीन करूँगी। तो अभी मुझे जोरों की लगी है भूख और मैंने जैसे बताया कि सुबह मैंने सिर्फ अंडा और ब्रेड खाया है, तो अभी मैं बनाऊंगी सफोला ओट्स, क्योंकि और कुछ भी मेरा दिल भी नहीं है बनाने का और मेरे दांत में भी दर्द है तो मैं और कुछ खा भी नहीं सकती हूँ, तो हम लोग अभी खा लेंगे ओट्स। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ मसाला ओट्स और ये मैं रात में बनाई थी तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी, बेस्ट नहीं करना चाहिए। फीवर लग जाए तो आदमी आराम से उठ उठ के सो जाता है, चलो फीवर निकल जाता है, लेकिन ये दांत कान ये सब ना बहुत इरिटेट करता है इंसान को, आदमी पूरी तरीके से बीमार भी नहीं पड़ पाता और अंदर से बस अच्छा फील नहीं होता रहता है। अभी देखिए मैं सेब संतरे सब छीली थी खाने के लिए, सब वैसे ही पड़ा हुआ है, खा ही नहीं पाई, अचानक से मेरे दांत में पेन हो गया और मम्मी बोल रही थी कि डॉक्टर के यहाँ दिखवा लेने के लिए क्योंकि मेरा दांत में ना थोड़ा थोड़ा खोड़ है। एक्चुअली होता है मैं चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत, ये 2-5 मिनट में हो जाएगा। और ये देखिए मैं धनिया का पत्ता इस तरीके से बांध के रखती हूँ, अगर आपके पास फ्रीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे फ्रीज अवेलेबल नहीं है, तो आप धनिया का पत्ता ढेर सारा ले और इस तरीके से प्लास्टिक में टाइट बांध के रखिएगा तो आपका 4 या 5 दिन तक धनिया फ्रेश रहेगा। मुझे ज़्यादा हम मुझे थोड़ा पतली वाली पसंद है इसलिए मैं पतली रहने देती हूँ। सो गया, हम लोग गैस ऑफ कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ से मैं धनिया का पत्ता डाल दूँगी। तो अब मैं खा के बताती हूँ ओट्स कैसा लग रहा है। ये मैं पूरा ही लेके बैठ गया, कौन जाएगा यार बार बार लेने। दांत में दर्द है नहीं तो अभी सैलेड भी लेके भेजते, सैलेड खाने का आदत हो गया ना तो बिना सैलेड का अच्छा ही नहीं लगता, बहुत गर्म है अभी। अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी है और भूख लगा हुआ है तो अगर ये टेस्टी ना भी होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। ये मैं सारा चट कर गया, इतना टेस्टी लग रहा था मुझे। बहुत अच्छा बनाता, इतना बचा ये भी मैं अपने पेट में डाल लूँगी। प्याज अभी मैं छत पे जाऊंगी कपड़ा लाने, आज आपको मैं अपना छत दिखाऊंगी। खाना खाकर मैं आ गई हूँ छत पे और थोड़ा सा मौसम हो रहा है ठंडा इसलिए मैं पहन ली हूँ हल्की फुल्की स्वेटर, स्वेटर नहीं बोल सकते मतलब, हाँ फिर भी मोटा टी शर्ट है और ये मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है लेकिन देखिए छत पे अब जल्दी धूप ख़त्म हो जाता है तो मैंने सोचा मैं थोड़े टहल भी लूँगी और आप लोग से बातें भी कर लूँगी। तो देखिए मेरा छत कुछ इस तरीके से है, ये पता नहीं क्यों छोड़ा गया ये मुझे भी नहीं पता, और ये एक पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, शायद उड़ूल का फूल होता है ना रेड कलर का, उसका पौधा है। और अंकल को मैं हमेशा देखती हूँ उसमें पानी डालते हुए और ये छत है, यहाँ पे भी कोई रहता है बट अभी वो है नहीं इस, तो ये इस तरीके से मेरा छत है। यहाँ पे एक टैब भी लगा हुआ है, कल लगा हुआ है जिसमें जो ऊपर रहते हैं उनका तो बाथरूम इधर है लेकिन कोई भी यहाँ पे यूज़ कर रहा, कितनी बार मैंने भी यहाँ पे कपड़े वॉश किया है। और ये है मेरा छत और यहाँ से सीढ़ी है और इस साइड मेरा रूम है और इधर से भी कनेक्टेड एक छत है जो कि अंकल के भाई का है
और उसका रास्ता मेरे रूम से होके मैं इस छत पे भी जा सकती हूँ। उसका देखिए यहाँ से आपको गेट दिख रहा होगा, यहाँ से इसका रास्ता है। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, और दांत का पेन भी मेरा थोड़ा ठीक है, और कपड़े उतारने आई थी मैं तो सोचा मैं थोड़ा सा आप लोग से बात भी कर लूँ। तो ये मैंने कपड़े धो के पसारे हैं जिसको मैं लेके जाऊंगी, तब तक मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ। ये मैं दिखाती हूँ आसपास का थोड़ा सा नज़ारा, इस तरीके से है मेरे आसपास कुछ ऐसा दिखता है। ये एक अपार्टमेंट है, ये देखिए कितने सारे, ये घर में मुझे बहुत पसंद है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पौधा लगे हुए हैं। अभी तो सब उस साइड हो गया है, पहले ना ये सारा लगा हुआ था, जितने भी गमले देख रहे हैं ना सब में पौधा लगा था, तो मैं आके ऊपर बहुत अच्छे से इसको देखा करती थी। मुझे पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कितने दिन से मैं मनी प्लांट लगाने सोच रही हूँ, बट वो मुझे मनी प्लांट मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको बोलते हैं कि किसी के घर से चोरी करके लाओ तो ही मनी प्लांट लगता है। एक जगह मुझे दिखा भी था बट शाम का टाइम था तो मैं मनी प्लांट नहीं तोड़ पाई, क्योंकि बोला जाता है कि शाम में पौधों को नहीं छूना चाहिए, पेड़ पौधों को, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ।